Yeah, welcome back, students. Let's deal with a new set of questions. Question number four. Veena and Nina carry out business in the name of Veena and Company. So this is a partnership firm converting into a limited company, okay? Sharing profits and losses in the ratio 2:3. Okay? So these are the respective assets, liabilities. Don't forget the general reserve है. तो उसको हम PSR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नीना का लोन भी है, बैंक ओडी भी है, क्रेडिटर्स भी है. ओके, नाउ ऑन द सेम डे वीना प्राइवेट लिमिटेड, मतलब द न्यू कंपनी, वाज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ वीना कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. ओके, नाउ व्हाट आर द फॉलोइंग टर्म्स दैट दे आर टेकिंग. सो इट्स अ वीना एंड कंपनी विच वीना प्राइवेट लिमिटेड विच गॉट कन्वर्टेड इन टू वीना एंड कंपनी. ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years. द फर्म यूज टू ट्रांसफर 4,000 एवरी ईयर टू जनरल रिजर्व. प्रॉफिट्स अब आफ्टर अबाउट ट्रांसफर, तो ये प्रॉफिट है 5 साल का, जो कि ऑब्वियसली हम ऐड करेंगे. या मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 6,000. प्रॉपर्टी इज अंडर वैल्यूड बाय 8,000. अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट लोन ऑफ नीना टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. तो नीना का लोन छोड़ के बाकी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. तो इसका ये मीनिंग है कि इस सब में जो हमारा पीसी कैलकुलेशन है वो कौन से मेथड से है? नेट एसेट मेथड से है. ओके, कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट. नाउ ये डिसबर्समेंट ऑफ पीसी है. डिस्चार्ज कैसे करोगे आप? 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू दैट पार्टनर्स हु हैज एक्सेस कैपिटल आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू द एक्सटेंट ऑफ सच अमाउंट. एक्सेस कैपिटल से आप लोगों को याद आया, एक्सेस कैपिटल मेथड हम किस में यूज करते थे? पीस मिल में यूज करते थे. तो यहाँ पे वो जो हम पीस मिल में जो टेबल बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उससे पहले हम एक्सेस कैपिटल मेथड से एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट बनाते थे, वो यहाँ आएगा. एंड इक्विटी शेयर टू द बैलेंस अमाउंट पेएबल. फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज हाउ मच? 10. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट अवर पीसी. उसमें भी पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हम पहले फाइंड करेंगे गुडविल. ठीक है, हम पहले गुडविल निकालेंगे ऑब्वियसली. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट गुडविल फर्स्ट. सो दिस इज हाउ माय गुडविल विल बी कैलकुलेटेड. ओके, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है? 2 इयर्स दिया है. और वो गुडविल कितना है? 5 सालों का गुडविल दिया हुआ है. ठीक है, 5 साल का गुडविल कितना है? लेट्स कैलकुलेट दैट. सो दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट माई गुडविल. तो टोटल गुडविल, 5 सालों का गुडविल ऐड कर दो, सबको ये आंसर मिलेगा 71,400. ओके, 5 साल का गुडविल ये रहा 12,800 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 14,200 प्लस 15,400, 71,400. ठीक है, 71,400 डिवाइड बाय 5 5 इयर्स ना. ओके, 5 इयर्स डिवाइड बाय 5, 14,280. इस पे वो जनरल रिजर्व ऐड करना है ना, हर साल का 4,000. तो ऐड 4,000 जनरल रिजर्व, तो कितना हो गया? 18,280. ओके, ये रहा 18,280 मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, तो 2 इयर्स. तो 36,560 इज माई गुडविल कैलकुलेशन. ठीक है, फिर मैं बनाऊंगी मेरा पीसी बाय नेट एसेट मेथड. सो ये मेरा गुडविल है जो मैंने अभी कैलकुलेट किया. मशीनरी का क्या बोला है? इट इज ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 6,000.
तो हमको पीसी कैलकुलेशन के लिए कुछ भी अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू नहीं चाहिए, हमको सब 100 पे चाहिए. मतलब कैलकुलेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ 100, नाइदर इट शुड बी 110, नाइदर इट शुड बी 90, नाइदर अंडर वैल्यूड नीदर ओवर वैल्यूड, इट शुड बी एट प्रॉपर 100. तो मशीन मेरा कितना था, 60,000, ओवर वैल्यू किया था, तो अब मैं उसको 6,000 माइनस कर दूंगी, तो 54. और मेरा प्रॉपर्टी कितना था, 72, और बोला है अंडर वैल्यूड था, तो आई विल एड बैक 8,000, सो इट विल बी प्रॉपर एट 100 नाउ. ओके, तो ये तीन मेरा रिवाइज वैल्यू पे है, और यू इवन कॉल इट एज अग्रीड वैल्यू फॉर पीसी, और बाकी सब वो लोग ने बोला था टेक इट एट व्हाट यू कॉल बुक वैल्यू, दैट इज द वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट. ओके, देन लाइबिलिटीज दे हैड सेड टू टेक इट एट बुक वैल्यू. ओके, सो 80 प्लस 54 प्लस 36, 560 प्लस 40 प्लस 48 बिकम्स हाउ मच, 48 प्लस 48 बिकम्स 96 प्लस 12,000, 2,78, 560 माइनस माई लाइबिलिटी 52,000, तो 2,26, 560 इज माई पीसी कैलक्यूलेशन. ठीक है, ये हो गया. अब हम वो एक्सेस कैपिटल मेथड करेंगे जो हम पीस मिल के लिए करते थे. मेरे पास चार सॉरी दो पार्टनर्स है, वीना एंड नीना, उनका PSR है 2:3, ओपनिंग बैलेंस दिया है 60 एंड 88, एड रिजर्व्स, रिजर्व्स आई विल डिवाइडेड द ओल्ड रेशियो, देन या ट्रांसफर ऑफ लोन ओके ऑफ नीना 16,000, एंड प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. ये सब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये सब मेरे को क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है. ठीक है, नीना का लोन क्यों ट्रांसफर होगा, देर इज अ रीजन, आई विल टेल यू. कहाँ गया, अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट लोन ऑफ नीना आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू. तो पीसी कैलकुलेट करते वक्त नीना का लोन नहीं लिया है. ओके या तो इट विल बी टेकन ओवर बाय द पार्टनर. ठीक है, राइट. तो ये जो मेरा एक्सेस कैपिटल मेथड है, इसके लिए पहले मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, करेक्ट, देन वी विल कम टू दैट. तो चलो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. ओके, उसका तो आपको मेथड याद है. सबसे पहला क्या, ट्रांसफर ऑल योर सन्ड्री एसेट्स एट विच वैल्यू, एट बुक वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन. स्टेप टू, ट्रांसफर ऑल योर लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू, दिस इज माई सेकेंड स्टेप. स्टेप थ्री, यू हैव टू रिकॉर्ड योर पीसी ड्यू का एंट्री. ओके, एंड देन व्हेन यू क्लोज दिस लेजर यू विल गेट अ बैलेंसिंग फिगर. ओके, माइनस 2,40,000, तो 38,560, ये मैं डिवाइड करूंगी मेरे ओल्ड रेशियो में. तो मेरा ओल्ड रेशियो कितना है, 2:3. ओके, इंटू टू या 7712 इंटू 3, 23,136. तो ये रहा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट. और जब मैं मेरा एक्सेस कैपिटल मेथड निकालूंगी तो ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन उसमें एड बैक होगा. ठीक है, इज दैट क्लियर. ओके, ये लॉजिक आपको इससे भी समझ में आ जाएगा जब आप आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे. तो देखो ये ओपनिंग बैलेंस है. ओके, ये आपने जो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया 2:3 रेशियो में, और ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आपको मिला, और ये लोन बोला है कि ट्रांसफर करने के लिए, बराबर. ठीक है, तो यस, ये मेरा एडजस्टेड कैपिटल, ये जो आंसर आया ना, दिस इज माय एडजस्टेड कैपिटल जो मैं पीस मिल के थ्रू लूंगी. ओके, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो हमने पीस मिल में भी किया हुआ है ये सब. ये देखो सेम आंसर यू विल गेट. ओके, सेम चीज, राइट. फिर हम क्या निकालते हैं, यूनिट कैपिटल. यूनिट कैपिटल कैसे मिलता है, एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय PSR. ओके, सो 85,024 डिवाइडेड बाय 242,512 ओके, एंड 1,41,536 डिवाइड बाय 3,47, सम रिकरिंग फिगर्स, ठीक है. अब इन दोनों में से सबसे
छोटा अमाउंट कौन सा है? बेस कैपिटल मतलब लोवेस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल, तो ये है या करेक्ट? अभी फिर ये जो आंसर आया इसको रेशियो से मल्टीप्लाई करो, आई मीन PSR से, सो यू गेट दिस आंसर बराबर. ओके सो इट्स 42,512 × 2 एंड 42,512 × 3. ओके एक्सेस कैपिटल इज व्हाट? इट इज माय एडजस्टेड कैपिटल माइनस, या दैट इज स्टेप 2 माइनस स्टेप 5. ओके दिस माइनस दिस, तो ये 0 हो जाएगा, एंड दिस माइनस दिस आई विल गेट द आंसर 14,000. ओके या प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलता है? स्टेप 4 मल्टीप्लाइड विद स्टेप 1. ठीक है, सो आई होप ये पार्ट तो आपको याद ही होगा, ये पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में है ये वाले स्टेप्स. ठीक है चलो, हो गया नाइस. ये रहा मेरा पार्टनर्स कैपिटल. ओके ये रहा, अभी रियलाइजेशन के बाद सेकंड बनेगा न्यू कंपनी का लेजर. ओके तो ये मेरा PC ड्यू का जो एंट्री है उसका सेकंड इफेक्ट, और ये मेरा डिस्चार्ज ऑफ PC का. पता है वो एक्सेस कैपिटल मेथड से आया ये आंसर 14,000, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा, बराबर ना? यही बोला था राइट सम में, हाँ, कि ये जो एक्सेस कैपिटल मेथड से जो आंसर आएगा वो बोला है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा, बराबर? हाँ सी, 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू दैट पार्टनर हु हैज एक्सेस कैपिटल. तो एक्सेस कैपिटल किसका आया है? एक्सेस कैपिटल नीना का आया है, तो नीना को मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, सो आपका सेकेंड लेजर जो बनेगा वो ये बनेगा, वीनस प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट. ओके ये देखो इसको मिलेगा. ओके और बाकी का वीना को मिलेगा इक्विटी शेयर्स में. ठीक है, तो 2 लाख या 2,26,560 माइनस 14,000 का प्रेफरेंस, तो 2,12,560 जाएगा किसके पास? इक्विटी शेयर्स जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर. ओके फाइन, फिर बनेगा प्रेफरेंस शेयर्स इन वीना लिमिटेड अकाउंट, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट. तब इसका सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, फिर इसके अगेंस्ट नीना का वो सेटलमेंट किया था ना, या 14,000 वाला, वो तो ऑब्वियसली ये अकाउंट भी टैली हो जाएगा राइट? 14,000 सेटल करने को बोला था उसके अगेंस्ट में राइट? फिर बनेगा इक्विटी शेयर्स ऑफ वीना लिमिटेड, मतलब इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी. ओके तो ये जो एंट्री हमने डाली थी 2,12,560, उसका सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा. ओके और ये जो है उसका जो बैलेंसिंग फिगर है 85,024 एंड 127,536. ओके हाँ, ये कहाँ से मिला? व्हेन वी वर क्लोजिंग दिस अकाउंट, वेयर इज माई दैट अकाउंट द अदर वन? आई विल शो यू, हमने वो एक वर्किंग नोट किया था ना, उधर ही आंसर आया है. सी दिस, दिस प्रपोर्शनेट कैपिटल वाला, सी दिस आंसर. ओके ये तो हमने दिया, फिर ये वाला 85,024 एंड 127,536. ओके सो यू आर गिविंग इट इन विच, हाँ एडजस्टेड कैपिटल रेशियो, बराबर ना? ठीक है या तो ये वो वाला आंसर है विच विल बी कमिंग योर. ओके यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग देम. ठीक है या दिस वन ऑब्वियसली, एंड दिस ऑल्सो हैज टू टैली राइट? हाँ दिस लेजर विल ऑल्सो टैली करेक्ट, एंड इफ यू वांट टू मेक नीनाज ओन अकाउंट यू कैन मेक दैट. ओके उसका ओपनिंग बैलेंस विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट, और उसका सेटलमेंट ऑफ वो 16,000 अगेंस्ट नीनाज कैपिटल. ठीक है सो ऑब्वियसली इसका भी लेजर बनेगा और ये लेजर भी टैली होगा. अब आपके ऊपर है आपको कितने लेजर्स बनाने हैं. ओके तो ये फिफ्थ वाला बन जाएगा, यू कैन पुट दिस पॉइंट नंबर 5
एंड देन लास्ट में बनेगा ये पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ तक तो हमने कर दिया था पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ तक ये पूरा हो गया। अब ये सेकेंड इफेक्ट जो हमने दिया था, उसका वन इफेक्ट दिया ना, उसका सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, सेकेंड इफेक्ट। फिर वो वीना का प्रेफरेंस शेयर्स में दे रहे हो ना 14,000 उसको, ओके दैट्स इट। और एलसी वन मोर थिंग, या तो ये लेजर टैली कर दो तुम, ठीक है, या तो जब तुम ये लेजर को क्लोज कर रहे हो, ठीक है, हाँ, इस लेजर को अगर तुम क्लोज कर रहे हो तो इवन यू कैन क्लोज दिस लेजर इन द सेकेंड पार्ट। हाँ, बिकॉज यू आर पेइंग 14,000 टू वीना ना, सो दैट्स वन, दिस इज टू, यू आर पेइंग टू वीना, टू थ्री, दिस इज फोर, ओके। इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग दिस, अगर तुम इसको पहले नहीं क्लोज करके फोर्थ, अगर तुम इसको क्लोज कर रहे हो, मैं बताती हूँ वेट, अगर तुम फोर्थ इसको क्लोज करोगे ना, ये फोर्थ क्लोज करोगे इन केस फोर्थ, तो क्या होगा, इधर से आपको बैलेंस मिलेगा ये रहा, और इधर से भी आपको बैलेंस मिलेगा, बराबर। फिर ये आप किधर डालोगे सीधा, ये आप इधर भी डाल सकते हो ना, फोर, ये रहा इसका सेकेंड इफेक्ट इधर। फिर आप ये इसको फिफ्थ क्लोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर आप इसको लास्ट क्लोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टूड, ये भी चलेगा राइट, दिस वे और दैट वे, फाइन। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। आइदर ऑफ द वेज यू हाउएवर डू द क्लोजिंग, इट शुड टैली एट द एंड, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो टिल देन वी कम टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे।